हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आप बिगनर हो आपको नहीं पता है कॉन्टोर ब्लश एंड हाइलाइटर कैसे लगाया जाता है तो so, आज मैं आप सभी के साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ आपको ले ले लिया है कंसीलर आप कंसीलर कोई भी डार्क शेड का यूज कर सकते हो सबसे पहले हम लोग कॉन्टोर वाली लाइन बनाएंगे यहाँ मैंने यूज की थी इन का कंसीलर अफोर्डेबल है इजी टू ब्लेंड है और अभी आप देख सकते हो मैंने कैसे इसको फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर ली एंड जो इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे सेकेंड लाइन मतलब इसके ऊपर जो सेकेंड प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे वो होगा लिक्विड ब्लशर का बट लिक्विड ब्लशर नहीं है ना तो आप लाइट पिंक अगर आपके पास लिपस्टिक है लिप ग्लॉस है आप उसको भी यूज कर सकते हो या आप ध्यान से देखना मैंने इसको कैसे यूज की हूँ कैसे अप्लाई की हूँ एंड इसके ऊपर जो थर्ड लाइन हम लोग बनाएंगे वो होगी लाइट कंसीलर की लिक्विड है कंसीलर है ये स्विस ब्यूटी का एंड इसका शेड है जीरो टू बस और कुछ भी नहीं करना है इसको कर लेंगे हम लोग ब्लेंड ब्लेंड ओह माय गॉड आप देख सकते हो ये कितना मस्त लग रहा है सच में मैं बताऊ ये वाला हैक हैक मुझे बहुत beginner, so hack, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पसंद आया इफ यू आर अ सो मस्ट ट्राई दिस ही यूजफुल है टाइम सेविंग बस है। एक बात का आपको ध्यान रखना होता है जब भी हम लोग प्रोडक्ट को ब्लेंड करते हैं ना तो आपको डेप डॉप करते हुए ब्लेंड करना है फोर्सफुली नहीं करना है हल्के हल्के हाथों से करना है ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होना चाहिए मेकअप में इसको मैंने अच्छे से कर ली हूँ ब्लेंड पता है इसके बाद भी और स्टेप्स होते हैं लाइक जहा मैंने काउंटर हम काउंटर करते हैं ना हम लोग वहाँ यूज करते हैं ब्रॉन्जर का जहाँ हम लोग ब्लशर यूज करते हैं वहाँ हम लोग यूज करते हैं पिंक शेड में भी पाउडर ब्लशर आता है हम उसका यूज़ करते हैं एंड जहाँ मैंने लिक्विड कंसीलर का यूज़ की थी हाइलाइटर हाइलाइटिंग के लिए वहाँ हम लोग यूज करते हैं पाउडर हाइलाइटर का तो मैंने ब्लशर के लिए यूज की थी ब्यूटी का ब्लशर एंड कॉन्टोर के लिए ब्राउन्जर का यूज़ की थी वो भी था स्विस ब्यूटी का एंड जो हाइलाइटर के लिए मैंने यूज की थी वो भी शायद स्विस ब्यूटी का ही था